इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सबराही में दो रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। मजीद मालूमात लेंगे हसीब मलिक ने, हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का मामला था जिसे दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच 20 जून को दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा। बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा के साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने का फैसला दिया था जिसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस शहजाद मलिक जो थे लाहौर हाईकोर्ट के, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ों दिनों में जो है ये 8 ट्रिब्यूनल की तश्कील के अहकाम जो है वो जारी किए थे जिसको चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 20 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। जी हसीब मलिक, आपने डिटेल्स बताई, आपका शुक्रिया।